भगवान कृष्ण बलराम ना धोकर सूर्य नारायण की पूजा करी, नंद बाबा यशोदा माँ के परिक्रमा करी, दोनों माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, माँ हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर, तुमने हमारी बहुत सेवा की, नंद बाबा आपने हमें बहुत लाड प्यार किया, भगवान ने गोपियों से हाथ जोड़ा, मैंने आपके घर में बहुत तोड़ फोड़ किया, फिर भी आपने मुझे प्रेम दिया। कि भगवान गौशाला में गए, एक एक गाय के कान में बोलते बोलते रोए, माँ मुझे माफ करना, अब मैं तेरी सेवा नहीं कर सकूंगा, मैं इन पापियों को मारने के लिए अब बंसी कामली और लकड़ी और गाय यही तुम्हें देकर जाता हूं, अब मुझे सुदर्शन चक्र उठाना होगा, देश गद्दारों को, पापियों को, गौ हत्यारों को, रिश्वतखोरों को, साधु संत ब्राह्मण और गाय के, धर्म और मंदिर के विरोधियों को, इन पापियों का नाश करने के लिए मैं जा रहा हूं। हे गौ माता, अगर मैंने तेरी आज तक सेवा करी है, तेरी वो मां समझा है, तो इन पापियों का हाथ मेरे हाथ से नाश हो, मेरा भारत स्वस्थ हो, मेरा भारत धार्मिक हो, मेरा भारत गौ भक्त हो, मेरा भारत गुरु भक्त हो, मेरा भारत देश भक्त हो, मेरा भारत मातृ पितृ भक्त हो। गायों की आंखों में से आंसू निकल आए, गाया के मुंह में घास के टुकड़े रह गए, बछड़े ने दूध पीना बंद कर दिया, भगवान कृष्ण बलराम सब गायों के पैरों में पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, समा मांगते हैं, माँ अब से कोई भूल हो गई है तो माफ करना, अब ये गाय को जवाबदारी समाज की है, अगर ये गायों को समाज नहीं पालेगा तो समाज दुखी होगा, पानी से अनाज से रोगों से तड़सेगा और चिल्ला चिल्ला कर हमें पुकारेगा, अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां, अनेक प्रकार के बादल, अनेक प्रकार के धरती कंप, अनेक प्रकार की सुनामी, अनेक प्रकार की कोरोना जैसी बीमारियां जब गायें दुखी होती है तब आती है सर, और हमारे पाप से गायों को भी भोगना पड़ता है, कितनी गायें मर गई साहब, गायों को भी कोरोना हो गया, पीला जिसको कहते हैं, आज कृष्ण बलराम गायों के सामने रो रहे, माँ हमें माफ करना, हमें आशीर्वाद दे, हम तुम्हें कभी भूले नहीं, हे जननी मैंने तेरे लिए मानव बनकर आया हूं, अब तेरी हत्या करने वाले, तुझे दुख देने वाले उन पापियों का, उन चंडालों का मैं सर्वनाश करूंगा, फिर तेरा दर्शन करूंगा, ऐसा करके गौ माता की परिक्रमा करी, प्रणाम किया, गाय की पुष्प अपने आंखों पे लगाई, गौ माता का मूत्र पिया, गोबर अपने शरीर पे लगाया, सब गायों को प्रार्थना करी, फिर भगवान कृष्ण बलराम रथ में बैठ गए, जब जाने लगे तो सारी गोपियां रास्ता खड़ी कर दिया, हे कृष्ण तुमको जाना है तो हम सबको मार के जा, तुमको जाना था तो हमको काली नाग से, इंद्र के क्रोध से, अदागुर राक्षस से, बकासुर राक्षस से क्यों बचाया, आज पता चला प्रेम भगवान ही कर सकता है, इंसान नहीं, हम तुम्हें पहचान नहीं सके, हे कृष्ण हमको मार के जाओ, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, सब गोपियां रोने लग गई, राहों में सो गई, रथ चलना मुश्किल हुआ, कृष्ण भगवान नीचे खड़े हुए, गोपियों को कहा मुझे जाने दो, मैं जिस काम के लिए आया ये गाया मैं आपको बैठ करके जाता हूं, अब इनको तुम संभालना, तुम्हारी जवाबदारी,
मेरे से बनी इतनी मैंने सेवा करी, अब मुझे जाने दो। फिर भी गोपियां नहीं जाने देती है तो भगवान को मजबूरन झूठ बोलना पड़ा कि मैं आऊंगा। फिर भी गोपियां नहीं मानी, चारों तरफ से कृष्ण को घेर लिया, रथ को पकड़ लिया, अक्रूर को बोलने लगे, अरे कूर आदमी तुम्हारे कन्हैया को लेके कहां जा रहा है, अरे वो कूर इसको छोड़ दे। रथ को पकड़ लिया, घोड़े को पकड़ लिया, भगवान ने सबसे हाथ जोड़ा, मुझे जाने दो, मैं जिस काम के लिए आया हूं उस काम को करने दो मुझे, मैं जरूर आऊंगा। मां यशोदा दौड़ कर आई और गिर गई रास्ते में, मां को खूब निकल आया पथ से, भगवान कूद पड़े रथ से, अपनी मां यशोदा का मस्तक अपनी गोद में लेकर रोने लगे, मां तेरे बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं दुनिया का भगवान हो सकता हूँ पर तेरा मैं बेटा हूँ, मैंने तेरा दूध पिया, मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं पापियों का सर्वनाश करूँ, मैं अधर्मियों का नाश करूँ, धर्म की स्थापना करूँ, मुझे जाने दे माँ, मैं आऊंगा। माँ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, माँ के आंसू रुकते नहीं थे। यशोदा माँ खड़ी होकर कन्हैया को हाथ जोड़कर बोलती है, लाला मुझे पता था बचपन से तू मेरा बेटा नहीं है, फिर भी मैंने मेरी बेटी को तेरे लिए मरवा दिया, मुझे पता था कि मेरे घर बेटी हुई थी, तू मेरा बेटा नहीं। मां क्या बोलती है, बोले हाँ बेटा मैं जानती थी, मेरे गुरु ने कहा था कि तेरी बेटी, तेरे को बेटी हुई थी बेटा नहीं, और तेरी बेटी ने कंस को मार दिया, बेटा हमने तुम्हारे लिए अपनी बेटी खो दी, हमने सोचा तुम्हारा बूढ़ेपा का सहारा होगा, जब हम मरेगा तो हमें कांधा देगा, हमारा अग्नि संस्कार करेगा, और तू जाने को बोलता है, हमारे आगे पीछे कौन है। फिर भी चाहता है तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, तुम अपनी माँ को नहीं बताना यशोदा ने मुझे बांधा था, बेटा सब कुछ याद रखना पड़े, ये बात भूल जाना, तुम अपनी माँ को नहीं बताना, माँ यशोदा ने मुझे बांधा था, मैं तो तेरी माँ को दुख लगेगा कि मेरे बेटे को बांधा। भगवान माँ के आंसू पोंछते पोंछते कहने लगे, माँ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा पर ये बात नहीं भूलूंगा कि तूने मुझे बांधा था, मैं सारी दुनिया को बांध देता हूँ, मैं काल का काल हूँ, मुझे कोई नहीं बांध सकता, हे मेरी जननी तेरी दूध की ताकत, तेरा प्रेम कि तू मुझे बांध सकी, वरना मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं सब भूल जाऊंगा पर जो तुमने मुझे बांधा है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। कृष्ण रो पड़े माँ यशोदा के चरणों में, इतने रोए कि माँ के चरण धोते, जैसे सुधा माँ ने कृष्ण के चरण धो दिए, जैसे सबरी ने राम के चरण धो दिए अपने आंसुओं से, इस तरह भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा के चरण आंसू से धो दिए और कहा मुझे जाने दे, आशीर्वाद देना, मैं जिस काम के लिए आया हूँ जाओ। माँ आशीर्वाद देती है, बेटा तू आएगा नहीं, मैं आऊ, मेरी सौगंध का मेरे माथे हाथ रख, भगवान माँ के हम माथे हाथ रख, मैं आऊंगा। फिर यशोदा ने कहा नंद बाबा को, सब गोवालों को साथ में लेके जाओ और कन्हैया को लेकर आना, लिए बिना तुम कोई आना नहीं। फिर नंद बाबा सब गाड़ा तैयार किया, बैलगाड़ी में सब बैठे, भगवान रथ लेकर मथुरा में आए, मथुरा के बगीचे में रुके, शाम को सब भोजन करने बैठे। नंद बाबा ने कहा दोनों भाई को खा लो, अर्जुन खाने बैठे, अर्जुन माखन में खा, भगवान खड़े हो गए, जोर जोर से छोटा बच्चा रोता इस तरह रोने लग गए, बाबा मैं नहीं खा सकता, मैंने अपनी माँ के हाथ से खाया, मैंने कभी अपने हाथ से नहीं खाया। नंद बाबा ने कहा बेटा मैं तेरी माँ बनकर खिला दूं, गोद में बैठ गया, भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने नहीं खाया तो किसी ने भी नहीं खाया, सब भूखे सो गए। यमुना जी में सुबह स्नान किया,
और नंद बाबा की आज्ञा लेकर मथुरा के शहर करने निकले। नंद बाबा ने कहा शहर वाले पढ़े लिखे लोग तुम्हारे फटे कपड़े देखकर, तुम्हारे पैर में जूते नहीं है, ये तुम्हारी मजाक करेंगे। भगवान ने कहा एक दिन ऐसा आएगा यही समाज फटा कपड़ा पहनकर दुनिया में घूमेंगे। आज तो हमारे पास नहीं है, गरीबी है इसलिए, पर साहूकार लोग पढ़े लिखे लोग करोड़पति के बीपीएल बेटे फटे कपड़े पहनेंगे। ये भगवान का साप है यदि ये भारत में ऐसे कपड़े पहने। इसलिए भगवान अपने मित्र को लेकर बाजार में निकले। गोवाल को देखकर ये शहर वाले कहने लगे देखो ये गवाले आ गए, ये अनपढ़ आ गए, ये पटीचर आ गए, ये टीचर आ गए, देख लो पैर में जूता नहीं है, देख लो उसके कपड़े देखो, सब मजाक करने लगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। इतने में देखा कंस का धोबी कपड़ा धोने जाता था, उसको बोला मामा आपको कपड़ा दे दो, ये मेरे मित्र गरीब है, मैं करोड़पति का बेटा हूं पर इन गरीबों के बीच में रहा, इसलिए मैंने कभी कपड़े नहीं सिए पहने, कभी पैर में जूते नहीं पहने, मेरा देश गरीब है, मेरे देशवासी गरीब है, इसलिए मैंने फटे कपड़े पहने। भगवान ने कभी नए कपड़े नहीं पहने, सिए कपड़े नहीं पहने, करोड़पति के बेटे थे साथ, हीरा रत्नों के महल में रहने वाला, जिसके घर 90 लाख गाय हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, नंद बाबा मिनिस्टर था, फिर भी भगवान ने कभी जूता नहीं पहना, कपड़े नहीं पहने। और फिर उनको कहा मामा हमको कपड़े दो, उसने बोला हम तुम्हारा मामा कैसे, बोले कंस मेरा मामा है, तो उनका कपड़ा धोने वाला रजक है हमारे लिए मामा है। ये गांवों के लोगों में इतने अभ्यास इतना विवेक होता शहर वालों में नहीं होता है। हम लोग गांव के लोग हैं इसलिए तुमको भी हम मामा कहते हैं, भले तुम मेरे मामा का नौकर है और हम गांव के लोग हैं, हम शहर के वाले नहीं, शहर वाले को बोलने की तमीज नहीं होती है, पर हम अपना संस्कार नहीं भूलेंगे, हमारे कपड़े फटे हैं संस्कार नहीं, कपड़े दे दो। तो गालियां देने लग गया भगवान को, आ गए पटीचर गांव में रहने वाले, अभी कपड़े देखे शहर देखा है, अपमान करने लग गए। तो भगवान बलराम ने कहा ऐ कृष्ण ये रामा अवतार का है, सीता जी पर आंगली उठाने वाले इसको मारो। भगवान ने एक थप्पड़ मारी, धड़ से मस्तक अलग कर दिया, बाकी के लोग भाग गए। भगवान ने कहा अपने मित्र को मित्र जैसा कपड़ा चाहिए पहनो, सब मित्र को कपड़ा पहनाया, देवता जैसे लगने लग गए। कृष्ण को कहते हैं मित्र हमने जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, हम कैसे लगते हैं। भगवान रोते रोते कहते तुम देवता से भी अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते। गोवाल बाल कहते हैं कपड़े तो नहीं पहने पर जो कपाल में टीका ना हो तो अब सुकुन माना जाता है, ये पढ़े लिखे को पता नहीं है, हम लोग तो गांव के हैं ना कपाल में टीका लगाते हैं, आज नहीं लगा है इसलिए कहीं चंदन मिल जाए। भगवान के आगे चलो और कुब जाती कंस की दासी चंदन लेके जाती थी, भगवान ने कहा ओ सुंदरी, पीछे मुड़ के देखा और रोने लग गई, ये दुनिया तो मुझे कुबड़ी कहती है और तुम भी हमारी मजाक करते हो, गांव के आ जाए शहर वाले तो करे तुम भी। भगवान ने कहा नहीं तुम सुंदरी हो, हमको चंदन दे दे। कुब्जा ने चंदन दिया, कुब्जा ने कहा मैं लगा सकती हूँ, भगवान को लगाया, बलराम को सब मित्रों को लगाया। तब बलराम ने कहा तुमने इस कुबड़ी को 8 अंग से टेढ़ी है, अब इसको सुंदर बना दो। भगवान ने 2 उंगली उसके गले में लगाई, अपना चरण उसके पैर पे रखा, जो सीधा करा और सुंदर रूपवान बन गई, सारी मथुरा नगरी में हा हो गया कि कुबड़ी सुंदरी हो गई, सारी मथुरा देखने आ गई, ऐसा चमत्कार भगवान। फिर गवाल बाल बोले कि लाला अब गले में हार होना चाहिए, माली लोग मिले हार दिया, फिर कहा लाला अब मुंह लाल होना चाहिए, तो दुकान वाले मिले पान दिया, बहुत स्वागत किया। और भगवान कृष्ण मथुरा में जाते हैं, फिर कंस को मारते हैं, और ये सारी कथा
हम कल 4 बजे सुनेंगे। कल का अंतिम दिन है, कल विराम है, कथा कभी पूरी नहीं होती, या पूरी हो जाएगी परसों लंदन चली जाएगी, फिर लंदन से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, अमेरिका, 6 महीने तक घूमती रहेगी, फिर भारत आएगी, फिर भारत के दिवाली के बाद लगातार कथा है मई तक। तो कहने का भाव, कथा पूरी नहीं होती है। भगवान कृष्ण मथुरा में अपने मित्रों के साथ निकले, सारी मथुरा भगवान का दर्शन करने आए, फिर भगवान कंस को मारते, बड़ी सारी कथा हम कल सुनाएंगे। कल बराबर 3:30 बजे कथा शुरू होगी।